नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। यानी कि दोस्तों, सितंबर माह के आखिरी दिन और अक्टूबर माह के पहले दिन आप सभी के लिए केश वैद्य होंगे। यश में ग्रहों की स्थिति कैसे होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का श्राप की राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहने होंगे और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होगा। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन्हें दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 30 सितंबर की बात करें तो दोस्तों, ये दिन गुरुवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि रहेगी और ये दिन पुनर्वसु नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो परिग नाम का योग रहेगा, साथ ही इस दिन शिव नाम का भी शुभ योग रहेगा। ये दोस्तों महीने के आखिरी दिन में बहुत ही अच्छे योग हैं, ये आपके कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी स्थितियाँ आपको देंगे। राहुकाल के समय दिन दोपहर के 1:45 से लेकर शाम के 3:14 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, जन्मदिन मिथुन राशि के उपरांत कर्क राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, अक्टूबर माह के पहले दिन की बात करें तो दोस्तों, दिन शुक्रवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और पुष्य नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो शिव नाम के शुभ योग के उपरांत ही सर्वार्षिधि नाम का शुभ योग रहेगा और महीने की शुरुआत ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। बस दोस्तों, इस दिन राहुकाल के समय आप सावधान रहें और यह समय रहेगा सुबह के 10:47 से लेकर दोपहर के 12:16 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन कर्क राशि पर संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का ये जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में आप जीवन के रहस्यों का पता लगाने के लिए सामान्य से अधिक इच्छुक हैं। दोस्तों, यह एक विशेष रूप से आत्मनिर्भरता का समय होगा। दोस्तों, जिसके दौरान आपको अपनी व्यक्तिगत ताकत और प्रतिभा को सही ढंग से उजागर करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपको अपने जुनून को जो है जीवित रखने की ज़रूरत है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे, घर के उन मामलों पर आप ध्यान दें जिन्हें जो है टाला नहीं जा सकता। उन आध्यात्मिक मार्गों से जुड़ने के लिए समय निकालें जो आपको जो है सक्षम बनाते हैं। दोस्तों, यह समय प्रकृति में बिताया गया समय उस आंतरिक शांति को फिर से स्थापित करने में उपयोगी होगा जिसके आप इच्छुक हैं। दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे, अपनी इच्छा शक्ति से परिस्थितियों पर विजय पाने का समय होगा। दोस्तों, आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप जो है पूरे विश्वास के साथ इसका सामना करते हैं तो दोस्तों, आपको जीत मिल सकती है। कुछ मामलों में जो है ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा गुस्सा या फिर नाराज़गी जाहिर करनी पड़ सकती है, लेकिन दोस्तों, इस तरह के जो व्यवहार हैं, आप जो है इस तरह दोनों परिस्थितियों में विजय पा सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपका दिन होगा आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपके करियर के मामले में, आप अपने वाक चातुर्य से अपने जो है बिगड़े कामों को पूरा कर सकते हैं। अपने जो है वाणी के चलते आप यश में अपने काम को पूरा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यश में आप जो है जल्दबाजी न करें और अपने कामों में होने वाले लाभ हानि पर विचार करके आगे बढ़ें। कार्य में कोई जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप इन दिनों में बचें। आपके नम्र और कुशल व्यवहार से आपको इन दिनों में लाभ होगा। साथ ही दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में प्यार और सेक्स के रहस्यों की खोज करने की आपकी इच्छा बढ़ सकती है और इस समय आप अपने आप को सामान्य से अधिक प्रभावशाली महसूस करेंगे। ये इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता और प्रगाढ़ होगा। जो लोग किसी नए रिश्ते में हैं वे साथी के आत्मसम्मान का ध्यान रखें। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे, आपके सेहत के मामले में आपको
पैरों में चोट लग सकता है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों वहीं ऐसे यदि आप नशीली चीज़ का सेवन करते हैं तो उसे छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर आपको इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 4। दोस्तों यश में गणेश जी कहते हैं कि आप अधिक ध्याय लक्ष्य बनेंगे। आप हर एक कार्य जो है व्यवस्थित रूप से करना यश में जो है पसंद करेंगे। साथ ही दोस्तों यश में परिवार और ऑफिस में आपसे अपेक्षाएँ रखी जाएंगी, इसलिए जो है उन पर काम का अधिक दबाव न पड़े या देखने का भी काम आप ही का होगा। साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें, दोस्तों यश में आप महसूस कर सकते हैं कि जहां पर आप अभी हैं वहां से अपने करियर को आगे ले जाने के लिए आपको जो है कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों आप अधिक प्रयास करने की यश में कोशिश कर सकते हैं। आप कुछ नई जो है अंतर्दृष्टि लाना यश में पसंद कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों धीरे धीरे लेकिन लगातार आप अपनी जो है दक्षता बनाए पाएंगे। शादी दोस्तों वहीं पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों यश में गणेश जी को लगता है कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को जो है संतुलित करने के लिए आपको एक निश्चित समय निर्धारित करना होगा। दोस्तों आपको अपने पीर की आवश्यकताओं की चिंता रहेगी और आपका सहानुभूतिपूर्ण रवैया आपके पीर को खुश कर देगा। दोस्तों यश में आप अपने पीर के साथ एक नया जो है गंतव्य तलाशने के मूड। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों इन दिनों में कार्यवाही करने के बजाय जो है आपको रिसर्च करने के पीछे कुछ समय लगाना चाहिए। आपको मार्केट में उपलब्ध चीज़ों और उनकी कीमत के बारे में अच्छी तरह से पता लगाना चाहिए। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आपको अपने दिमाग को आराम देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य है। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि चीज़ों पर अत्यधिक तर्क लागू न करें, बस शांत रहें और आराम करें। यदि आप ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते हैं तो ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलने का प्रयास करें। वही दोस्तों इन दिनों में आपका तेज काम आपको प्रेरित करेगा। सफलता हासिल करने के लिए समय के साथ अपने विचारों में बदलाव लाएं, इससे आपका दृष्टिकोण व्यापक होगा, समझ का जो दायरा है यह समय बढ़ेगा। दोस्तों इन दिनों में व्यक्तित्व में जो है आपका निखार आएगा और दिमाग यश में आपका विकसित होगा। साथ ही दोस्तों इन दिनों में आपका बचाए धन आपके काम आ सकते हैं, इसके साथ ही इसके जाने का आपको दुख भी होगा। वहीं दोस्तों यश में आपके जीवन साथी की लापरवाही संबंधों में दूरी बढ़ा सकती है। साथ में अपना कीमती समय बिताएं और मीठी यादों को फिर से ताज़ा करें ताकि पुराने दिनों को फिर से वापस लाया जा सके। दोस्तों इन दिनों में लंबे वक्त से चले आ रहे झगड़े को आप सुलझा लें, क्योंकि हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए। नई जो है साझेदारी करने के लिए जो दिन है फलदायी रहेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपको खाली वक्त का सदुपयोग करना चाहिए। उन कामों को पूरा करने की आप कोशिश करेंगे जो बीते दिनों में आप पूरे नहीं कर पाए थे। साथ ही दोस्तों यश में आप वैवाहिक जीवन में कुछ निजता का महसूस कर सकते हैं। दोस्तों यश में आप ध्यान योग मेडिटेशन करने से आपका पारिवारिक जीवन जो है अच्छा रहेगा। तो आए दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण टोटके के बारे में। दोस्तों पदोन्नति हेतु आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों शुक्ल पक्ष के सोमवार को सिद्धि योग में 3 गोमती चक्र चांदी के तार में एक साथ बांधें और उन्हें हर समय अपने साथ रखें। पदोन्नति के साथ साथ व्यवसाय में भी इनसे लाभ होगा। साथ ही दोस्तों मुकदमे में विजय हेतु आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों 5 गोमती चक्र जेब में रखकर कोर्ट में जाया करें। दोस्तों मुकदमे में जो है निर्णय आपके पक्ष में होगा। तो दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।